कल आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल के देंगे हम, जो भी पढ़ा है ध्यान से सुनेंगे ज्यादा लिखेंगे कम, और लिखने का काम मैं आपको पेपर दूंगा कल निकलवा कर, वो आप ले लेंगे। आज जो विषय शाम को मैं इसलिए ऐसा सरल विषय लेना चाहता हूँ क्योंकि 34 विद्यार्थी 35 विद्यार्थी 11th 12th के है ना, इतने ही ना, कितने 34 35 करीब है, 32 है, तो 32 विद्यार्थी मैंने बहुमत है उनका, और शाम को मिलेंगे हम, सुबह तो नहीं मिलेंगे, इसलिए शाम वालों के लिए सब्जेक्ट अलग और सुबह वालों के लिए अलग। सुबह के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा वरिष्ठ विषय देंगे, हालांकि इतना सरल है आप भी बचा सकते हो, लेकिन आप मिलोगे नहीं सुबह इसलिए नहीं पढ़ना। चलिए आइए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसे नहीं बैठ रहे हैं, अच्छा इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। सभी लोग सुनना ध्यान से, दिव्य ध्वनि को दो शब्दों में कहा जा सकता है। 24 तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है, और उस दिव्य ध्वनि को दो शब्दों में कहा जा सकता है, उसका नाम है अनेकांत और स्यादवार। दिव्य ध्वनि को कितने शब्दों में कह सकते हो? दिव्य ध्वनि कितने शब्दों में कह सकते हो? कौन कौन से? हाँ, अनेकांत और स्याद, स्यादवार। क्या बोला? स्यादवार। क्या बोला? थोड़ा हिंदी है ना बच्चों के लिए, एक बार अच्छा हो जाए। हाँ, बच्चे भी समझना ध्यान से सब बराबर। पूरे द्वादश अंग को दो शब्दों में कह सकते हो, जिसने दो शब्द नहीं सीखे उसने कुछ नहीं सीखा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये दो ही शब्द नहीं सीख पाता आदमी। छह डाला सीख जाएगा, छह डाला वो क्या कहलाता है, रत्न साहब का चार सीख जाएगा, मोक्ष मार्ग का सीख जाएगा, सब पढ़ लेगा, ये अनेकांत और स्यादवार समझे बिना ना उसको मोक्ष मार्ग का समझ में आता, ना छह डाला समझ में आती, दुनिया का एक भी ग्रंथ समझ नहीं आता। सभी लोग ध्यान सीखना बहुत, ये समझो ऐसी बात बता रहा हूँ जो रटना है आपको बिल्कुल, और आज जब प्रवचन करेंगे तब आपको ये बात याद रखनी है। मैं कुछ कहूंगा फिर से बोलता हूँ, जब तक आपको अनेकांत से याद बात नहीं मालूम तो आपको कुछ नहीं मालूम। आप पंडित हो सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, रट सकते हो, परीक्षा में गोल्ड मेडल ले सकते हो, लेकिन अनेकांत से याद बात को जाने बिना आप कुछ नहीं समझे। जिनवाणी को दिव्य ध्वनि को कितने शब्दों में कह सकते हैं? कौन कौन से? ऐसा बच्चा है जिसको याद नहीं हुआ होगा, हैं? याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, जल्दी जल्दी बोलो, देर से आवाज आ रही है आपके पास। अब तो जल्दी आ रही है, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। तो अनेकांत क्या है और स्यादवार क्या है, इसे विस्तार से सुबह पढ़ा दूंगा। मैं अभी आपको 2-5 मिनट की थोड़ी सी झलक जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ कहना है जो पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप,
अनेकांत मतलब, अनेकांत मतलब, अनेकांत का मतलब, और स्यादवाद माने कथन करने की पद्धति। स्यादवाद मतलब, स्यादवाद मतलब, बहुत बढ़िया। जी कौन है? इसका नाम क्या है? अनिल। वेरी गुड। जी कौन है? और इसमें क्या होता है? वस्तु का। और ये कौन है? स्यादवाद। स्यादवाद का काम क्या है? अभी वस्तु एक प्रकार की है, वस्तु एक प्रकार की है और कथन अनेक प्रकार की है। वस्तु एक प्रकार की है, कितने प्रकार की? और कथन? अब एक प्रॉब्लम है बस, जैन समाज में मुकेश इतनी प्रॉब्लम बस कि वस्तु एक एक प्रकार की है, इसलिए श्रद्धा एक प्रकार की होती है और कथन अनेक प्रकार के हैं, तो पूरे जैन समाज के लोग अनेक प्रकार के कथनों की श्रद्धा करके मिथ्या दृष्टि में डालते हैं। प्रॉब्लम समझ में आई? जैसा कथन किया वैसा ही मान लिया, ये मिथ्या दृष्टि हो गई। यदि एक वस्तु कितने प्रकार की है? एक प्रकार की। यदि वैसी श्रद्धा कर लेते तो सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि कथन अनेक प्रकार के होते हैं और वो वैसा ही मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जैसे एक सरल दृष्टांत दे दू, सुनना ध्यान से। जैसे बेसन का लड्डू यहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? हाँ, बेसन का लड्डू ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये अनचेंजेबल है, ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा ऐसे रहेगा, लेकिन कथन अनेक प्रकार के हो जाएंगे। जैसे बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना माने एक प्रकार का कथन, और बेसन के लड्डू को 5 रुपए का कहना ये दूसरा कथन हो गया। अभी मैं पूछता हूँ 5 रुपए का लड्डू है, यहाँ देख करके बोलो कि बेसन का है। अब मान के चलो घर में 5 मेंबर है, सबने एक लड्डू खा लिया, एक लड्डू बच गया, एक लड्डू बच गया किसी के शेयर का, समझ लो तुम्हारे शेयर का, क्या नाम तुम्हारा है? ध्रुव। भाया तेरे तो तेरा नाम कभी भूलने नहीं चाहिए, मैं भूल जाता हूँ लेकिन ना ध्रुव। अब जो ध्रुव तो गया था स्कूल, तो इसकी सिस्टर ऐसे जो जो घर में और कजिन है कोई भी होगा, बोले एक लड्डू और दो ना हमको, तो इसकी मम्मी बोली ध्रुव का लड्डू है। कौन का लड्डू है? अभी कौन का था ये? फिर कौन का था? अब कौन का हो गया? अभी मैं पूछता हूँ ये ध्रुव का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? पॉइंट नोट किया जाए। मिलोर, मिलोर तो समझते कौन को सामने बोलते है, कोर्ट में बोलते हैं। हाँ, पॉइंट नोट किया जाए। वचन बदलते रहेंगे, कथन बदलते रहेंगे, स्यादवाद बदलता रहेगा, लेकिन वस्तु नहीं बदलेगी, वस्तु नहीं बदलेगी। हम ध्रुव का लड्डू गए तो अभी बेसन नहीं खाना पड़ेगा, 5 रुपए का बोलेंगे तो अभी बेसन के खाओगे, और यदि कह दिया जाए कि ससुराल का लड्डू है, समझ गए? ससुराल ऐसे नहीं बैठे, कहाँ का लड्डू है ये? ससुराल का, ग्वालियर का, रतलाम का, कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन लड्डू अनचेंजेबल। लड्डू कैसा है? अनचेंजेबल। और कथन कैसे हैं? अनेक प्रकार के। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अनेक प्रकार के कथन की श्रद्धा की जा सकती है? की जानी चाहिए, बोला? तो लड्डू एक प्रकार का तो श्रद्धा भी एक प्रकार की होनी चाहिए। बस यहाँ पे समझ लेना सभी लोग, आज पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के कथन है तो अनेक प्रकार की श्रद्धा कर लेता है। आत्मा तो असत्य है, आत्मा तो क्रोधी है, आत्मा तो करता है, आत्मा तो पापी है, तो कितने प्रकार के कथन हो गए? अनेक प्रकार के। लेकिन वस्तु कैसी है? एक ही प्रकार की है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु की श्रद्धा करना है कि कथन की श्रद्धा करना है। अब मैंने जब ये कहा ना ये ध्रुव का लड्डू है, बेसन का लड्डू है, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों ये ध्रुव का लड्डू का हो चाहे बेसन का हो, बात तो ये करिए। आप लोगों ने नया नया चक्कर चला दिया, निश्चय नए व्यवहार नए, नया नया चक्कर चला दिया, ठीक है भैया। दोनों क्यों? दोनों कथनों का समान अर्थ निकाला जा सकता है ना? निकाला जा सकता है दोनों कथन का?
अपन करके देख लेते हैं, करके देखिए भैया, ध्रुव का लड्डू बनने के लिए ध्रुव को कढ़ाई में सेकना पड़ेगा। लड्डू बनाने की विधि क्या है? बोलो बोलो, बेसन का लड्डू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेसन को कढ़ाई में घी डाल के सेकना पड़ेगा। ध्रुव मंजूर है? नहीं। अब बोलो, ध्रुव का लड्डू और बेसन का लड्डू दोनों का समान अर्थ कैसे निकाला जा सकता है? पॉइंट पकड़ में आ गए सबको? भैया श्रद्धा तो यही करना पड़ेगी, बेसन का लड्डू है और कथन यही कि ध्रुव का है, ध्रुव का लड्डू में से अर्थ क्या निकालना है आपको? पॉइंट पकड़ लो। हम कहेंगे ध्रुव का लड्डू, तुम समझना बेसन का लड्डू, इसका नाम है संवेदन। हम तो कहेंगे आत्मा पापी है, करता है, और तुम लगाना आत्मा परमात्मा तत्व है, ज्ञाय तत्व है, ध्रुव तत्व है, ध्रुव ध्रुव तत्व है। तुम ऐसे समझ, इसका नाम संवेदन है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? और एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। कभी कभी आप, तुम्हारे बाबू भैया की तुम्हें अकेले हो, दीदी भैया तो नहीं ना, कोई बात अजय इकलौता बेटा है, तुम भी इकलौते होंगे बहुत सारे, और नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, दो तीन हो तो अभी अपन तो एक ही है। अभी मम्मी को लाड़ प्यार तो बहुत होता है, आपसे नहीं होता, बड़ा होता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ऐसा ही बोलती, टांग तोड़ दूंगी, मार डालूंगी, आज तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। महाराष्ट्र में बोलते कि नहीं बोलते हैं? रिएक्शन तो दो। हाँ ऐसे, अच्छे अच्छे हंस के बोलो, मस्त रहना सीखो, बढ़िया। चलो रेडी, तो अब बोलो, मम्मी ने कहीं टांग तोड़ दूंगी, तेरी भी कहा होगा कभी? गधा हो, बेवकूफ है, मुर्गा बन जा। अब नहीं बनाते हूँ मुर्गा ना, आजकल थोड़ी मुर्गा बनाते हैं, अपने जमाने में बनाते थे जोरदार। तो क्यों, तो मम्मी जब ऐसे बोलती तो गधा है और जो कुछ भी बोलते, तो तुम क्या समझते अपने आप को? श्रद्धा क्या करते हो अपने बारे में? बोलो, मम्मी कहती हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तो तुम्हें क्या श्रद्धा है मम्मी हड्डी पसली तोड़ देगी? पर ये है जब मम्मी कुछ भी कहे श्रद्धा तो, पॉइंट पकड़ गए, मम्मी कुछ भी कहे श्रद्धा तो अलग ही है कि मम्मी मेरी हड्डी पसली तोड़ सकती नहीं। ध्रुव यदि मम्मी बोले हड्डी पसली तोड़ूंगी, डंडा तो लग जाएगा, तो डंडा नहीं, डंडा ले जाएगा ले मम्मी तोड़। नहीं तोड़ेगी, मुझे मालूम है नहीं तोड़ेगी। क्यों? और पंडित जी ने गुस्से में तोड़ दिया तो? अरे नहीं तोड़ेगी, मम्मी ने बहुत घी खाया है लेकिन इतना घी नहीं खाया कि हड्डी तोड़ दे, इतनी ताकत नहीं होती माँ में कि अपने बच्चे की हड्डी तोड़ दे। ओह कहती तो है, तो कहती काय के लिए? कहती काय के लिए? ध्रुव का लड्डू है, ध्रुव का नहीं है, ध्रुव इसे खाएगा इसलिए कह रहे ध्रुव का लड्डू है। यदि मार्केट में खरीदने जाओ तो 5 रुपए का आएगा, इसलिए 5 रुपए का लड्डू कह रहे हैं। मैंने दो अलग बातों का ज्ञान कराया उसने, लेकिन लड्डू तो पक्का फाइनल जी। कौन है अनिका? इसमें क्या है वस्तु का स्वरूप? ये कौन है? स्यात्वा। स्यात्वा में क्या है? कथन करने की पद्धति। कथन करने की पद्धति, याद होगी कोई बात? ये कितने प्रकार का है? ये कितने प्रकार का है? कथन अनेक प्रकार की, वस्तु श्रद्धा अनेकांत की करना कि स्यात्वा की? पक्का। अब एक मार्मिक बात कहना है, सुनना ध्यान से, अभी लिखना नहीं बेटे, कलम छोड़ो, कलम बिल्कुल छोड़ो, कलम आपका 50% दिमाग खा जाता है, मोबाइल 90% खा जाता है और पेन 50% खा जाता है, इसलिए जब भी पढ़ाई करो मोबाइल से 21 साल की उम्र तक दूर बिल्कुल बच के रहो, समझाए ना? जैसे पीपल के पेड़ पे डाकन रहती तो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाने, कहते हैं लोग गांव में, उसे बच के रहना, ऐसे मोबाइल से और पेन से बच के रहना अभी थोड़ी देर के लिए। रेडी, चलिए वापस आते हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, अनेकांत कहने की पद्धति नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं कहने, लेकिन समझना क्या बोला, अनेकांत
कहने की पद्धति नहीं है, इसलिए कहना नहीं समझना। और कहना पड़े तो इधर से कहना। अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, उसकी भूमिका होगी मेरी, पॉइंट नोट करना बेटे। अनेकांत लोगों की समझ में नहीं आएगा, ज्यादा नहीं कहना इसे, लेकिन समझना। और जो समझदार में जाए तो उन्हें समझाना भी, लेकिन ज्यादा नहीं कहना। लेकिन सियाद बात कहना समझ गए, कदम की सहेली है। क्यों सियाद बात ऐसा क्यों बोलता है कि ध्यान से सुनना, जैसे इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं ना उसी विधि से पढ़ाते हैं। लोग में कैसे पढ़ाते हैं बोलो, जैसी इंटेलिजेंस होती वैसे पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते। देखो बच्चों को ऐसे बैठे तो सो जाओ, हाँ ऐसे, और कोई को भी नींद आए तो जा करके थोड़ा सिर धो के आ जाना, ठीक है, रेडी रहना। बस नींद आए तो उसे कहते मैं उठा दूंगा, मन को चला जाऊंगा, रेडी। माता की बात फिर से बोलता हूँ, अनेकांत लोग समझेंगे नहीं इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे। सियाद बात कहना क्यों, अनेक प्रकार के कथन होते हैं सियाद बात में। जैसे जैसे देखो दृष्टांत, जैसे असली शादी तो होती है लड़का लड़की की, हाँ लेकिन ये शादी किसी को दिखाई नहीं देगी। आप किसी को कहोगे भैया आप आना, हमारी बहन किसी को हाँ कर रही है, तो उसको पल लेनी पड़ेगा कि तुम्हारी बहन किसी को हाँ कर रही, मतलब क्या। लेकिन हाँ बाजे बज रहे हुए हैं तब कहेंगे शादी हो रही है, मिठाई बन रही होगी तब कहेंगे शादी हो रही है, बैंड बाजा बजेगा तो हम कहेंगे शादी हो रही है। ऐसे तो आप समझा सकते हो, लेकिन किसी से कहो कि हमारी बहन ने किसी को हाँ कर दी, तो किसी को हाँ कर दी कौन हाँ कर दी तो वो झगड़ा बिगड़ जाता है। इसलिए अधिकांश समझाया नहीं जाता। क्या समझाया जाता है, देखो आत्मा में लीन होने से मोक्ष जाते हैं, आत्मा में लीन होने से धर्म होता है, ये बात सच्ची है, लेकिन बात समझ में किसी को नहीं आई। तो फिर कैसे समझाएंगे, भैया मंदिर जाया करो धर्म होगा, पानी छाना करो धर्म होगा, स्वाध्याय करा करो बोलो धर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया, प्रवचन किया करो धर्म होगा, और थोड़ा रात का भोजन छोड़ दो, आलू प्याज खा लो। समझ में आया कि नहीं, कहने का मतलब क्या निकला कि इस तरह से धर्म के जल्दी समझ में जाता है। बोलो आप कैसे समझा सकते हो लोगों को, इधर से अब इधर से तो समझ में नहीं है, इधर से समझ में जल्दी आ जाएगा, इधर से क्यों नहीं आएगा। अब उनसे कहो आत्मा को जानो, तो आत्मा कौन सी आत्मा, बल्कि गांव में तो मानो कौन सी आत्मा फेमस है, मानो ऊपरी आत्मा का आसर, ऊपरी आत्मा की हवा, मैंने वहां आत्मा माने। अरे हमें मायने नहीं है, तो अभी इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। इधर से धर्म समझाएंगे कहां से, मंदिर जाना, पूजा प्रक्षाल करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, आगे बोलो दान देना, ये सब क्या है धर्म। लेकिन सच्ची बात है कि धर्म तो इधर है कि इधर है, तो समझना। ए अच्छा पंडित जी, तो मायाचारी सिखा रहे हो कि है कुछ, और मैंने पहले ही कहा था भैया जैसे लोग मिलेंगे वैसे समझाएंगे। जो मंदिर नहीं आएगा उसे कहेंगे मंदिर आया कर, और जो मंदिर आ जाता है उसे कहते भैया मंदिर आने में धर्म नहीं है, स्वाद पूजा किया करो। फिर कहेंगे पूजा करने में धर्म नहीं है, स्वाध्याय किया करो। फिर कहेंगे स्वाध्याय करने में धर्म नहीं है, थोड़ा तप का निर्णय करो। फिर कहेंगे तत्व निर्णय में भी धर्म नहीं है, अनुभव करो। फिर कहेंगे अनुभव में भी उत्तर धर्म नहीं है, सम्यक चाहित का पालन करो। और फिर कहेंगे भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो गए तो ठीक, आनंद तो तब है जब श्रेणी में ध्यान लगाओ। आगे समझ आया, धीरे धीरे सरकार दे जाओ। आपने वो सुना हो लोग में उंगली पकड़ के धीरे धीरे पकड़ते, धीरे धीरे हम पहले दिन तुमसे कह रहे सुनो बच्चों तुम लोग पढ़ने आए हो सबको मुनि बनना पड़ेगा, तो सब भाग जाएंगे। ये सबको भगवान बनना कंपलसरी है, सब भाग जाएंगे।
ऐसे नहीं, धीरे धीरे, पहले आप आओ, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, खूब व्यायाम करो, अच्छे से खाओ पियो, मजा करो, सुबह पूजा करो, धीरे धीरे 5-8 साल बाद स्वाध्याय करोगे, कराओगे और जोरदार और जोरदार, जिसकी जैसी योग्यता एक दिन भगवान बन जाएंगे। पहले दिन किसी कह दो तो कहेगा भैया अभी रहने दो, मुझे खेलना कूदना है। आगे समय आगे नहीं आया, अरे एक दिन बच्चा डॉक्टर बन जाता है क्या? नहीं बनता, लेकिन पहले दिन डॉक्टर की किताब दिखा दो तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसे। समझ आएगी नहीं आया? फिर से जी कौन है? इसका काम क्या है? बस स्वरूप। जी कौन है? शारदा में क्या होता है? जी कितने प्रकार का? जी कितने प्रकार का? भाई ध्रुव को भी याद हो गया, तू तो जल्दी से निबंध में भर्ती हो जाए तेरे। हाँ, इतना जल्दी याद हो गया, देखो इसका, वेरी गुड। तो श्रद्धा किसकी करना? कोई भी बोलेगा, किसी बोलेगा श्रद्धा किसकी करना? अनेकांत की, सैर बात की, कौन की? हमारे हाथ में बताओ कौन सा साइड? जी भाई वेरी गुड, 10 करोड़ देना ये सही नाम लग गया कि नहीं? 10 करोड़ हाँ ला देना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी आखिरी देंगे, ठीक है, रेडी। बहुत सुंदर जवाब दिए, तो अभी चले आगे। अपनी नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही थोड़ी थोड़ी, नहीं आ रही? अच्छा तो ठीक है, फिर से इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसके बाद अब सब्जेक्ट बदल रहा हूँ, इतना इसके आगे का विषय कल सुबह चलेगा, लेकिन अभी शाम को आपको दूसरा विषय लेंगे। आइए मजेदार विषय लेना मुझे, पुण्य पाप। क्या शब्द बोले मैंने? क्या बोले मैंने? क्या बोला? कठिन तो नहीं लगा? पहले लिखेंगे नहीं तो जल्दी समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बैठ जाए। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, मजेदार, बराबर। अब बैठे सर, बैठे अच्छे, पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं, ये सेकंड में परिभाषा सुनाऊंगा आपको, और कोई लिखेगा नहीं अभी, मैं आपको सब लिखा हुआ दूंगा, तब सबको लिखा हुआ देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, केवल आपको सुनना है, बराबर। पुण्य और पाप की परिभाषा ध्यान से सुनेंगी, बोलू पुण्य पाप की परिभाषा? बोलू रेडी रे ना, एक ही बात में याद कर लेंगे। मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप, लिखने की जरूरत नहीं। मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप, मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप, कौन को याद नहीं हो? याद हो गया सबको? अब अभी कमाल की बात सुनना, मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप, सुनने में परिभाषा बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं इधर से पढ़ा रहा हूं, इधर से नहीं पढ़ा रहा हूं, इधर से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, बाद में लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझो। पुण्य की परिभाषा क्या थी? पाप की परिभाषा क्या है? लेकिन जिनवाणी ये कहती है, अनेकांतात्मक सत्य कहता है कि एक ही परिणाम को मंद कसाय कहते हैं, उसी परिणाम को तीव्र कसाय कहते हैं। सुनना पहले, मैं जानता हूं आप 35 बच्चे पहली बार ये बात सुन रहे हो सकता है इससे पहले आपने पुण्य पाप की ज्यादा चर्चा नहीं सुनी हो, लेकिन आपके महाभाग से आप इधर आए हो तो आपको ये सुनना है, बहुत मजा आएगा आपको। मैंने इसलिए इतनी मूवी का बनाई अनेकांत से याद बात की, क्यों भाई साहब ये बच्चों को समझाने की शैली है पुण्य पाप। मैं ये सिद्ध करूंगा आज के प्रवचन में कि पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं। रोंगटे खड़े हुए कि नहीं हुए? क्या कह रहा हूं मैं? रोंगटे खड़े हो जाए, इसीलिए मैंने पहले कह दिया, कहना मत समझना, नहीं तुम कहोगे तो समाज वाले तुम गादी पे नहीं बैठने देंगे। ओके इधर मुझे पंडित जी नई नई बात ले आए सोनगढ़ से, पुण्य पाप ही नहीं होता, अभी तक तो पुण्य है था, अब देखा कहने लगे कि पुण्य पाप होता ही नहीं। मैंने इतनी सी बात बताने के लिए इतनी बड़ी रामायण सुनाई दी अनेकांत से आपका, भाई साहब पुण्य पाप का भेद कहते तो हैं लेकिन है नहीं,
क्या कहा हमने, पुण्य पाप का भेद। तो फिर भाई साहब इतनी बड़ी बात लिखी है, आप तो बिल्कुल बम पटक रहे हो। सुनना सभी लोग, बिना सुने तो सुनोगे तो सही, लेकिन समझना कहां से समझना, ध्यान रख रहे हो। अभी मैं वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ, वस्तु स्वरूप क्या कहते हैं वो मैं भी कहूंगा और तुम भी कहना। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बोला कि कहना नहीं समझना, और जैसे लोग मिले वैसे कहना। पानी छान ले तो भी कहना धर्म हो गया, चलो रात की भोजन नहीं किया तो भी कहना धर्म हो गया, पूजा पाठ करने लगे तो भी कहना धर्म हो गया। लेकिन जब समझदार लोग मिल जाए तो कहना भैया जी धर्म थोड़ी है, धर्म तो हमें आएगी नहीं है। बैंड बाजे बजने का नाम शादी नहीं है, मिठाई बनने का नाम शादी, दहेज का नाम शादी, घोड़े का नाम शादी, बरातियों का नाम शादी, ये तो शादी मुझे सब नहीं होता, होता है लेकिन शादी इसका नाम नहीं है। समझ थोड़ी कठिन बात है, मैं सरल कर दूंगा, चिंता नहीं करना। नहीं समझा पूछना सभी बच्चे को, बराबर। अच्छा फिर से आ, तो पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन कहना नहीं, फिर कह रहा हूं समझना, हाँ कहना नहीं है, बराबर। तो मैं अभी समझाता हूँ, पहले बड़े लोगों को समझा दू, बड़े लोग सुनो, विद्वान लोग, सीनियर लोग। क्यों कह रहा हूं मैं कि पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं, पहले मेरा लॉजिक सुनो। पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं है भाई साहब, मंद कसाय और तीव्र कसाय का भेद पुण्य पाप याद है ना परिभाषा। लेकिन भाई साहब कसाय तो चारित मोहिनी की प्रकृति है, और चारित मोहिनी घातीय प्रकृति है, घातीय कर्म, और घातीय कर्म में पुण्य का भेद ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ, वो किस समझा है कुछ? चार घातीय कर्म के नाम से नहीं, चार घातीय कर्म का नाम ज्ञानवर्णी, दशावर्णी, मोहिनी, अंतरा, चार है ना। तो चार कर्म में पुण्य का भेद कहां होता है, होता है चार घातीय कर्म में पुण्य का भेद होता है क्या बोलो? तो जो तो कसाय है ना, कसाय वो तो चार मोहिनी है, तो चार मोहिनी में पुण्य का भेद कहां से आया? इससे मालूम पड़ता है हे तो पाप ही। लेकिन लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, अज्ञानियों को समझाने के लिए उसमें मंद और तीव्र का भेद करके पुण्य पाप का भेद कहा। खरे खर देखा जाए तो पुण्य नाम की चीज नहीं, ठीक है, समझ आई मत, नहीं समझ आया तो जाना मत, फिर से सुनना सभी लोग। और अभी पूरी नहीं हुई कहानी, अभी तो कहां तक बात आ गई कि जब चारित मोहिनी है ना, मोहिनी वो तो घातिया दुख देने वाली है, मोहिनी कर्म तो दुख देने वाला है, तो उसे पुण्य कैसे हो सकता है? अभी मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूं, उस ग्रंथ में लिखा है कि निचली भूमिका में जो काम करते थे उछली भूमिका में करना पाप है। निचली भूमिका में कोई अच्छा काम है, मैं मंदिर बनाऊं तो पुण्य है, और मैं मुनि बनकर के मंदिर बनाऊं तो पाप है, लिखा है। मैं मुनि बनकर के ऊंचे पद में चला गया ना, तो नीचा काम करूं तो देखो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं आपको। छोटे छोटे बच्चे होते ना कक्षा एक में पढ़ने वाले, अब उनसे कहो कि बेटे 5 और 9 कितने होते हैं, प्लस प्लस करते 5 प्लस 9 कितने होते हैं, तो वो बच्चा गलत सलत बताए, अंदाज से बताए, उस पर थप्पड़ पड़ रहे। तेरे को कितनी बार कहा कि 5 बार लकीर खींचा कर, फिर 1 0 बना करके 9 बार लकीर खींचा कर, फिर ऐसे गिन लिया कर 5 और 9 14 मन से क्या बोलते हो? तो अब वो लकीर खींच नहीं खींचता तो पिटता है। अब हम तुमसे पूछे 5 और 9 कितने होते हैं, लकीर खींच के बोला लकीर खींचोगे तो 1 पड़ेगा। मैं बच्चा लकीर खींच खींच के पड़े तो हाँ बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट साहब, और बड़ा होने के बाद करे तो गधा। ऐसे निचली भूमिका में जिन्हें आप पुण्य कहते हैं वो करे तो अच्छा, और उचली भूमिका में जाने के बाद करे तो पाप। दिगंबर महाराज प्रचार नहीं करते, दिगंबर महाराज पूजा नहीं करते, दिगंबर महाराजों को दर्शन करना भी कंपलसरी नहीं है,
गांव से वो जंगल से आए सीधे हार लेके जगत जा सकती है। दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि उन्हें मंदिर में आना चाहिए। क्या श्रावक की भूमिका में जो काम पुण्य है उनकी भूमिका में वो समझ में आया? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा भैया? कठिन तो नहीं लग रहा? वापस चलो, इससे आगे मैं आप लोगों को और समझा दूंगा विद्वानों को अलग से, इन बच्चों के सामने अभी ज्यादा नहीं लेता। इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिर से तो पुण्य पाप का भेद अज्ञानियों को समझाने के लिए श्यार पास से कहा है, अनेकांत के रूप में देखा जाए, वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो पुण्य पाप का कोई भेद नहीं है। बराबर? देखो आप चाहो तो दृष्टांत दे सकता हूँ और दे सकता हूँ। एक और था, मैं आपसे कहूँ कि मेरे घर में आकर झाड़ू लगाओ, गटर साफ करो, तो इसमें तो आपका पाप का उदय है। लेकिन मैं कहूँ आप मेरे घर में आकर रसगुल्ले बनाओ, अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाओ, तो अब तो पुण्य का उदय है ना भाई। खराब काम कराने की जगह अच्छा काम करवा रहा हूँ ना। बोला? अरे बोले ना पंडित जी, पाप के काम करने में भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और पुण्य के काम करने में भी मेरा टाइम। क्यों? तुम बिजनेस में बैठो और मैं कहूँ दो ही काम बताऊ, गटर साफ करने का और मिठाइयां बनाने का, तो दुकान छोड़कर मेरे पास आओगे तो हानि हो रही है कि फायदा हो रहा है? चाहे तो मेरे घर में झाड़ू लगाने आओ तो भी बिजनेस का लॉस हो रहा है, और मेरे घर में मिठाइयां बनाने आओ तो भी आपके बिजनेस का। ओहो, पुण्य पाप में चलने वाला उपयोग शुद्ध उपयोग का घाटा करता है। क्या कहेगा फिर से बोलो? कौन बोलेगा? पुण्य पाप का चलने वाला व्यापार में शुद्ध उपयोग का घाटा होता है, इसलिए मुनि भगवंतों को तो पुण्य में भी पाप दिखाई देता है। झूठा दिखाई देता है कि सच्चा दिखाई देता है? झूठा दिखाई देता है कि सच्चा? क्या? अभी लॉजिक बताया था, कौन बोलेगा? चारित मोहिनी घाटे कर्म की प्रकृति है, उसमें पुण्य का भेद होता घाटे घाटा है। अपने बिजनेस का तो लॉस ही होता है, चाहे अच्छे काम करने आओ और चाहे बुरे काम करने आओ। बराबर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो अभी पुण्य पाप समझा है आपको? बराबर है? पुण्य किसे कहा था और पाप किसे कहा था? लिखो मत बेटे, लिखो मत, मैं सब लिखा को दूंगा आपको। लिखने में आपका उपयोग चला जाता बेटे, मैं समझ नहीं पा पर आप बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूं, इसीलिए आगे चल जाओ। अब थोड़ी देर अपनी तरह जाती है पुण्य का उदय और पाप का उदय। अब मैं बदल दिया, अभी क्या बोला था पुण्य बंद और पाप बंद, अभी क्या बता रहा था तेरे से? अब बताना है मुझे पुण्य का उदय और पाप का उदय। ओके ओके, अच्छा हंस के बोलो मजे ले भाई। हाँ भैया, ऐसे बैठ जाओ, पैर हटा दो, हाथ भी नीचे रख लो, पैर भी थक रहे हो? अच्छे सुन, बड़ी सुन, पुण्य का उदय और पाप का उदय। पुण्य का उदय और पाप का उदय तो बहुत सिंपल है, मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको, यदि सही लगे तो सिर्फ मुस्कुरा के हिलाना कि इच्छा के अनुसार हो जाए, इच्छा के अनुसार मिल जाए तो पुण्य का उदय, और इच्छा के अनुसार नहीं मिले तो ओके। सबको मान ली? बहुत बढ़िया, मंजूर? ठीक है। अब इसमें भी मुझे ऑब्जेक्शन है, इसमें भी मुझे ऑब्जेक्शन है कि इच्छा के अनुसार। ए उज्जैन, कोई बात सिद्ध है, जा दौड़ दौड़ के जल्दी, बहुत अच्छा विषय आने वाला, तेरे मजा आएगा, जल्दी आना दौड़ के आधा मिनट के अंदर। हाँ मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आपको मजा आएगा। अब अभी बंद की बात चली थी, पाप बंद और पुण्य बंद, और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको पुण्य का उदय और पुण्य का उदय। किसे कहा था बेटे? इच्छा के अनुसार, उसका नाम पुण्य का उदय। और पाप का उदय किसे कहा था बेटे? खड़े होकर बोलो जरा, दो परिभाषा। हाँ खड़े होकर बोलो, पुण्य पाप की परिभाषा बोलो बेटे, उदय की। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी कठिन पड़ती है आपको? है? अच्छा धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के बच्चे हैं थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, क्योंकि मराठी बोलते होंगे वहां, है ना? वेरी गुड, कोई बात नहीं, मजा करोगे, मैं बहुत सरल हिंदी सुनाऊंगा आपको। फिर से
पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय में क्या होता है, अपने मन के अनुसार इच्छा के अनुसार मिल जाए बराबर, और पाप का उदय में क्या होता है, पक्का ना फाइनल। अब आ जाओ अपन ऑपरेशन करके देखते, इसका भी ऑपरेशन कर लेते। एक आदमी शराब पीना चाहता है, उसकी इच्छा है शराब मिल जाए और बढ़िया शराब मिल गई, बोलो पुण्य का उदय की पाप का उदय, अरे उसकी इच्छा के अनुसार मिल गया तो पुण्य का उदय हुआ कि नहीं हुआ, पक्का ना। अच्छा फिर एक आदमी को आत्महत्या करना की इच्छा हुई तो उसे जहर मिल गया, अरे बोलो ना बोलो हैं, अरे पाप क्यों है, उसकी तो इच्छा के अनुसार मिल गया ना उसे जहर। अपन आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन गए और सही टाइम पर रेल आ गई, बोलो अरे बोलो ना पुण्य का होता है कि पाप का होता है, हैं? अभी वो ऑपरेशन करने पर खतरा नहीं करता भाई साहब, सारी दुनिया जिसे पुण्य का उदय कह रहा है ज्ञानी उसी को ही पाप का उदय कहते हैं। तुम ज्ञानी हो इसलिए कह रहे हो जहर खाना पाप का उदय, शराब पीना पाप का उदय, बराबर है कि नहीं। ऐसे ही अज्ञानी शादी करने में सुख मानता है तो उसे पुण्य का उदय लगता है और मुनिराज कहते हैं बिचारे का पाप का उदय है। बोलो भैया मुकेश करोड़ों का बिजनेस चलता हो तो पुण्य का उदय की पाप का उदय, बोलो तो ही भैया चाचा भतीजा पाप का उदय, करोड़ों का बिजनेस एक मिनट फुर्सत नहीं मंदिर आने तक की, व्रत पूजा पार्टी से फुर्सत नहीं, स्वाध्याय की फुर्सत नहीं, नोट गिरने तक की फुर्सत नहीं, पुण्य का उदय की पाप का उदय, बोलो पाप का। भाई साहब मजा आ रहा है देख कैसे गिर रहे, मजा आ रहा है बोलो, अरे रे जैसे अज्ञानी मरने में आनंद मानता है और पुण्य का उदय कहता है, ऐसे पांच इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री पाकर अज्ञानी कहते हैं पुण्य का उदय है। दिगंबर मुनि भगवान से पूछो वे कहते हैं बेटा क्या कहें, तुम केवल ज्ञान का समय खो रहे हो, सब दशक ज्ञान चाहे का समय खो रहे हो, तुम भगवान बनने का अवसर खो रहे हो, है ऑपरेशन समझ में आया, ऑपरेशन आप तो समझ में आया, पुण्य का होता है मिथ्या दृष्टियों की बुद्धि क्या बच्चों की शैली है, अब ऐसे समझाए नहीं सियान बात है तो वो मंदिर में नहीं आए, अभी तो अपने क्या लिखना पड़ता है मालूम, देखो परीक्षा पास होना है, बोलो होना है, पार्षना की पूजा किया कर बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, अच्छी बहू चाहिए, पूजा करा करो रविवार की दिन, बहुत अच्छी बहू मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी डिग्री मिलती है, पढ़ाई भी अच्छी मिलती है, अच्छी बच्चों को समझाने की सहेली है। बोलो भैया मैं एक गाथा सुना दू, नियम योग सराज जी की गाथा है, याद कर लोगे, बोलो याद कर लोगे बेटे, अब भी याद कर लो, मैं धीरे धीरे बोलूंगा आप भी बोलना मेरे साथ, बहुत सरल गाथा है, एकदम सरल गाथा है, हिंदी में सुनाता हूँ आपको, पाप तत्व तो पाप है कहें सभी जन लोग, कहें सभी जन लोग में सारे लोग कहते हैं, पाप तत्व तो पाप है कहें सभी जन लोग, और पुण्य तत्व भी पाप है बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे, बिरला बूझे मैंने कोई दुर्लभ ही आदमी होगा जो समझे ये बात, कौन को याद होगी, सीनियर को याद हो गई होगी, जूनियर में किसी को याद हुई, फिर मेरी ओर देखो पेन छोड़ दे बेटे, हाँ तेरे से ये पेन है ना अपना 50% माइंड खा जाता है, हाफ माइंड हाफ मूड, पढ़ाई की स्टाइल है, पेन छोड़ दो, पर मैंने लिखित दूंगा आपको अगर लिखित पेपर निकलवा के देंगे, फिर से पाप तर्म तो पाप है सभी जन लो, पुण्य तत्व भी पाप है बिरला बूझे कोई।
एक बार फिर गाओ पाप समझाता हूँ। तो अब देखो तो जिसे तुम अच्छा मानते थे वो अच्छा है कि खराब है? तो अज्ञानी को अच्छा लगता था इसलिए वो पुण्य का उदय कहता था, लेकिन ज्ञानियों को वो पुण्य का उदय लगता नहीं। बोलो भैया तुम्हारे लिए ठंड में रजाई नहीं मिले तो पाप का उदय, और मुहिराजों को ठंड में रजाई मिल जाए तो पाप का उदय। पक्का बोलो, तुम अभी दुकानदारी करके नोट गिनो तो पुण्य का उदय, और मुहिराज नोट गिने तो है? सही बात है कि झूठी है? कोई मुहिराज नोट गिन रहा तो तुम क्या मानोगे बोलो? माने मुहिराज नोट गिनेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन अपन गिन रहे होंगे सेठ लोग तो मजे हैं देखो। अब तो समझेंगे पुण्य पाप। तो पुण्य का उदय किसको कहा? इच्छा के अनुसार हो जाए, और इच्छा के अनुसार नहीं हो तो पाप का उदय। बराबर है कि नहीं? अब एक बात समझ में आ गई। अभी फिर कहता हूं, एक ही चीज, अब देखना पॉइंट बदल रहा हूं, एक ही उदय को पुण्य का उदय भी कह सकते हैं और पाप का उदय भी कह सकते हैं। जैसे पहले कहा था ना, एक ही भाव को पाप बंद भी कह सकते हैं और उसी भाव को पुण्य बंद भी कह सकते हैं, और ऐसे ही एक ही उदय को पुण्य का उदय भी कह सकते हैं और एक सच्ची घटना है। एक बाबा जी थे मेरठ में सिविल लगा था ना, मेरठ में बाबा जी अंधे थे, वो आंख नहीं थी उनकी, दोनों आंख नहीं थी। तो आंख नहीं थी तो अब वो क्या हुआ, अंधे होने से वो माला फेर रहे थे मंदिर में, तो माला टूट गई तो उसकी मोती गिर गई। तो ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ कर सारी मोती ढूंढी रही, एक मोती नहीं मिला। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मोती पूरे नहीं मिल जाएंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। तो ये 24 घंटे तक मंदिर में रहे, अगले दिन भी ढूंढते रहे, वो सब में ढूंढते रहे। वो बेदी होती ना भगवान की, बेदी भगवान विराजमान रहते हैं वहां, बेदी, वो बेदी में कंगूरे होते हैं डिजाइन के, तो उससे उनका सिर टकरा गया था। एकदम सिर टकरा गया तो खून निकल आया, तो सारे समाज वाले चिल्लाने लगे, काहे के लिए परेशान हो रहे हो, 5 रुपए की नई माला रख देना, एक मोती के पीछे परेशान हो रहे हो, रोटी भी नहीं खाई, कुछ नहीं किया तुमने, और सिर फूट गया और लो मरो अच्छे से। तो उनकी यहां से खून निकला और 2 मिनट बाद ही उन्हें आंखों से दिखाई देने लगा और संयोग से वो मोती भी मिल गया उन्हें। आंखों से देख कर मोती मिला लिया और आंखें आ गई। अभी मेरा पूछना है, उनका सिर फूटना पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? यदि उनका सिर फूटना पुण्य का उदय तो तुम सबका ही फूट जाए। ये तुम्हारा सिर फूट जाए तो क्या होगा बोला? अब वही सिर फूटना पाप का उदय लग रहा था, और थोड़ी देर बाद सब कहने लगे, अरे भैया, अरे भैया पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। समझ में आया कि नहीं आया? गणेश प्रसाद जी बढ़नी जी 25 साल के हो गए, 28-30 साल के हो गए, बढ़नी जी ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी केस में जा रहे थे, सब बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा समझते हो? लकड़ी से खेलते हैं उससे, ऐसे गिल्ली डंडा खेल रहे। उन्हें जाने क्या समझी, वो लड़के की गिल्ली ली, डंडा लिया और ऐसे करके ऐसे करा, करते नहीं थे ऐसे करके, तो उछलती है तो ऐसे कर दी। अब वो सीधे जाके, एक बच्चा था सामने से, उसकी आंख घुस गई सीधी, आंख घुस गई तो खून निकल आया। अब बढ़नी जी डर के मारे भगे, घर चले गए डर के मारे, छिप के बैठ गए। क्यों? उसकी आंख में खून निकल आया तो उसकी अम्मा आ जाएगी, उन्हें बड़ा डर लगा। सो बाद में उस बच्चे की अम्मा आई घर, भैया कहाँ है तुम्हारा गणेश? बोले क्यों क्या हुआ? अरे भैया हम उसके पैर पड़ने आए। क्यों पैर क्यों पड़ने आए? अरे भैया उसने जो गिल्ली फेंकी थी ना, उस गिल्ली की आंख में लगने से उसकी आंख अच्छी हो गई। अब बोलो भैया, गिल्ली आंख में लगना पुण्य का उदय?
बोलो कमाल देवा, अब तो समझ आया वही की वही घटना, पुण्य का उदय भी है और पाप का उदय भी है। बोलो भैया तुम्हारा मकान गिर जाए, तुम्हारा मकान है घर का मकान है ना, घर के नहीं बोलो ना है, और गिर जाए भूकंप में तो पुण्य का उदय पाप का उदय, पाप का उदय ध्यान है ना, इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा इसलिए पाप का उदय कह रहे है ना। अभी अपन क्या करें, गिर तो गए तो फिर दोबारा बनवाओ क्या करें, नींव खोदो फिर से बनाओ, फिर पक्का मकान बना लेना और क्या करें। तो बनाया जैसी नींव खोदी तो 100 करोड़ रुपए का रत्नों का घड़ा निकल आया, कितने करोड़ के 100 करोड़ क्या निकल आया रत्नों का घड़ा। अब बोलो मकान गिरना अच्छा रहा कि नहीं रहा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी सभी बच्चों ने, ए हीरो अच्छा बेटा तुमने एक स्टोरी सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सुनिए नहीं सुनी स्टोरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सबने सुनी होगी स्टोरी है ना। वो राजा गया था, उंगली टूट गई थी, सुनी कि नहीं, तो जो होता है अच्छे के लिए। अब हम आपसे फिर पूछ रहे, यही तुम फेल हो जाओ तो, अरे बोलो ना, हो सकता है अच्छे के लिए। देखो फिर समझना, फेल होना नहीं और हो जाओ तो रोना नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले तो फेल होने की कोशिश करना नहीं, और फेल हो जाओ तो खत्म बात, पहले तो फेल होना नहीं, हो जाओ तो रोना नहीं, क्यों जो अच्छे के लिए होता है, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये बात कहना नहीं कि पापा फेल, समझ में आ गए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों को, तो अब वापस आगे चलो। तो बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे पहली बार तो सुन रहे होंगे ये बात, पक्का है ना। तो अभी पुण्य पाप का होता है कोई चीज है कि नहीं, नहीं है, लेकिन कहना नहीं, समझना और कहना बहुत समझदार, मैंने उन्हें समझाना और नहीं तो जैसे भी समझते वैसे ही कहना, उनसे यही कहना भैया मंदिर आओ धर्म हो, बराबर है। और पुण्य का उदय और पाप का उदय दो चीज है कि एक ही चीज है, देखो जिन्हें रिसर्च में आए तो पूछ देना भैया, बच्चों को मैं 10 दिन तक पढ़ाऊंगा इसलिए पूरा समझा दूंगा, नए लोग हो तो पूरी बात समझना, पुण्य का उदय और पाप का उदय दो चीज नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, पुण्य का उदय और पाप का उदय दो चीज नहीं है, ये कई चीज है, पॉइंट बोल रहे ना, पुण्य पाप का उदय ये कई चीज है। अच्छे बैठे बैठे पीछे, हाँ ऐसे बैठे, ऐसे बैठे बैठे, लेकिन मेरे पास है, हाँ नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे महाराज, हैं? हाँ बहुत बढ़िया, सचिन कौन का नाम था बता रहे थे, सचिन डबरा का, हाँ बहुत बढ़िया, सुन रहे हो, हाँ क्या महाराष्ट्र के, अच्छा तुम भी महाराष्ट्र के, वेरी गुड महाराष्ट्र जोरदार, वेरी गुड, चलो आगे चलो। अब मैं एक दृष्टांत देता हूँ आपको कि पुण्य का उदय और पाप का उदय दो चीज नहीं, सुनोगे ध्यान से, सीनियर लोग जो शास्त्री वर्ग में है वे सुन लो अच्छी तरह से, पहले इनको भी समझाऊंगा, पुण्य पाप दो चीज नहीं है, पुण्य ध्यान से सुनो, पुण्य पाप का उदय दो चीज नहीं है, दृष्टांत देता हूं सुनना सभी लोग, बच्चे लोग भी याद कर लेंगे, ऐसा बढ़िया दृष्टांत देता हूं। देखो एक लड़के की शादी सांवली लड़की से हुई, सांवली समझते हो, काली लड़की का सावली लड़की, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बोलो काली और सांवली अच्छा नहीं लगता, पारसनाथ भगवान की कलर वाले से हुई, ठीक है, ठीक है। तो अभी बोलो पुण्य का उदय की पाप का उदय, बोले जल्दी, अब मैं अपने समझाता हूँ, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं दृष्टांत देकर समझाता हूँ। एक सच्ची घटना है हमारे खड़िया धारा की, एक इंजीनियर लड़का है अमेरिका चला गया, उसकी शादी एक घर में किसी को पसंद नहीं थी वो लड़की, क्या कह रहे, फिर तुम नीचे देख ले,
हमारी तरह दे दो, स्टोरी तो मैं सुना रहा हूँ। हाँ मेरी और क्या सुना रहा था मैं, खंगिया नाला का एक लड़का इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका चला गया। उसकी शादी जिस लड़के से हुई पूरे घर में किसी को पसंद नहीं, तो उसे पसंद थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बारहवीं पास थी, फिर भी अंग्रेजी नहीं आती थी उसे लड़की को, और देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी, और अंग्रेजी आती नहीं थी। तो उसने उसे पसंद कर लिया, शादी कर ली, और अब सारे घर वाले नाराज कि पंडित जी आप समझा, जिसने बड़ों की बात नहीं मानी, मम्मी पापा की बात नहीं मानी, और ये पसंद कर ली। तो मैंने उससे पूछा तुमने पसंद क्यों कर ली? बोले पंडित जी यदि गोरी होती, सुंदर होती, अंग्रेजी पढ़ी लिखी होती तो अमेरिका में रक्षा करने की चिंता होती। अब इसकी शकल इतनी बढ़िया है कोई इसके पास ही नहीं आएगा, है ना? और अंग्रेजी आती नहीं, कोई आ भी गया तो बोलते ठंडी फटका रहेगी। एक तो कोई आएगा नहीं, और वो कोई बोलेगा नहीं, और फिर कोई क्लब वगैरह में जाने की प्रॉब्लम नहीं, और रात को 10 बजे भी निकल जाओ डर नहीं, अंधेरे में से भी निकल जाओ तो कोई डर नहीं है। और बता, और फिर वैसे अंग्रेजी पढ़ी लिखी हो, बाजार में खाने पीने वाली हो, तो अपन भी हेडेक में, अब बहुत मजे से रहते हैं हम आराम से। मैं वो जिंदगी भर की क्या वो निश्चिंता हो गई, और सुंदर होती तो कदम कदम पे मुझे टेंशन होती, पढ़ी लिखी होती तो टेंशन होती। इसलिए पंडित जी मम्मी पापा को क्या है, रहना तो मुझे। मैंने कहा वाकई मान गया तुम्हारी बात, आपको पता है, अब मैं बात बदल रहा हूं, दृष्टांत सुनोगे ध्यान से, पूछूंगा। बोलो भैया पुण्य को देने अच्छी मम्मी मिलती है कि खराब मम्मी मिलती है? ध्रुव पुण्य को देने अच्छी मम्मी मिलती है कि खराब? अच्छी मिलती है। सबको रेडी? बोलो पुण्य को देने अच्छी मम्मी मिलती है कि खराब? आज बोलो ना, बड़े लोगों से पूछ लेना, पुण्य को देने अच्छी पत्नी मिलती है कि खराब? अरे जल्दी बोलो, बोलने किसे अपना है? अरे बोलने में क्या डर लगेगा, बोलते तो जब मिलेगी जब देख लेते। बोलो बेटे, हाँ बोलो। तो अभी मैं जिनवाणी में जो लिखा है वो सुनना, जिनवाणी में जो लिखा है वो सुन लेना। पुण्य के उदय में वस्तु नहीं मिलती, और पाप के उदय में खराब वस्तु नहीं मिलती। अच्छी बुरी वस्तु पुण्य पाप के उदय में नहीं मिलती। बड़े लोगों के लिए कह दू, शास्त्री वर्ग के लिए, वास्तव में तो क्षेत्र का परिणमन होता है। क्या बोला हमने? वास्तव में तो क्षेत्र का परिणमन होता है। बड़े लोग याद रखना बेटे, क्षेत्र का परिणमन मात्र होता है, वहां पुण्य पाप की कोई बात नहीं। अब तुम्हारी बात करें, पुण्य को देने अच्छी मम्मी मिलती है ऐसा नहीं लिखा है। मालूम क्या लिखा है? जैसी भी मिलती है अच्छी लगती है। पुण्य को देने की परिभाषा क्या है? अच्छी लगती है। और पाप को देने में खराब लगती है। ये है परिवार। बोलोगे? बोलो, ट्राई करो, वेरी गुड। अच्छी लगती है, मिलती नहीं। पाप को देने, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत पाप को देने जैसी भी मिलती है खराब लगती है। बहुत बढ़िया, हिंदी अच्छी बोल रही, अभी प्रयास कर रहे बोलने का, बहुत अच्छा। भैया जो जन्मजात हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलवाना मुश्किल होता है। अब मराठी वाले हिंदी बोल रहे हैं, इसलिए तो बधाई देना चाहिए, जोरदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बात। इसी बात पर कुछ नहीं, आगे चलो। हाँ समझ आ रहा है सबको? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? फिर से, तो पुण्य पाप के उदय में क्या होता है? पुण्य के उदय में जैसी भी मम्मी मिलती है। अब मैं बताता हूँ, मम्मी थप्पड़ मारती तब कैसी लगती है? बोला? अब मैं कहता हूँ, थप्पड़ मारने पर भी मम्मी अच्छी लगे, इसका नाम पुण्य का होता है। क्या कहिए? कोई तुम्हें टोकने वाला मिल जाए, डांटने वाला मिल जाए, और आपको अच्छा लगे, ये पुण्य का होता है। आप सिगरेट पी रहे थे, कोई टोकने वाला नहीं मिला, ये पाप का होता है।
आप शराब पीने जा रहे थे, कोई टोकने वाला नहीं मिला, ये पाप का उदय। आप जहर खाने जा रहे थे, कोई टोकने वाला नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला जहर भाई साहब, और आपने अज्ञानता में जहर खा लिया। बोलो टोकने वाला नहीं मिला, पुण्य का उदय पाप का उदय। हाँ ऐसे ही सही समय पर सही थप्पड़ पड़ जाना पुण्य का उदय है। ऐसा करके देख रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप इतनी समय नहीं, मैं क्या बताऊ मुकेश, इतनी अच्छी बात पढ़ा दी पहले ही दिन, यदि ये सब बातें सीख जाए ना तो टोकने वाले, अभी सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती पता है, टोकने वाले। हमें डांटा क्यों, हमें टोका क्यों, हम क्या समझते नहीं है, हमें रोका क्यों, जब 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 टोकते ही रहते हैं, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। लेकिन भाई साहब महापुण्य के उदय से टोका जाता है। क्या कहा आपको पता है, जिन लोगों को कैंसर हुआ उन्हें टोकने वाले नहीं मिले, तम्बाकू सिगरेट पीने वाले उन्हें कोई टोकने वाला नहीं मिला, इसलिए आज कैंसर हो गया। बोलो आसाराम आज जेल में पुण्य का उदय की पाप का उदय। आसाराम का नाम सुना है, आसाराम देखिए से बच्चे नहीं सुना है आसाराम का नाम, समझ आ रहा है दोस्तों के लिए। हाँ जल्दी से हो गया, अभी तो मैं कह रहा हूँ काफी मत देख, काफी देखना मतलब आधा सो जाना। चलो ए हाँ तुम भी सो गए, अच्छे बैठे बढ़िया रेडी रहना। फिर से इतनी सरल बात कह रहा हूँ, देखो आपको कठिन तो नहीं लग रही, वेरी गुड। फिर से सुनो, फिर से समझा, बहुत मार्मिक की बात है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे और मम्मी ने पिटाई कर दी, तो ये पुण्य का उदय है, क्योंकि मम्मी के डर से हम पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। और यदि मम्मी का डर नहीं लगा, मम्मी ने डांटा भी नहीं मारा भी नहीं, और हम खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, तो एक दिन क्या बन जाएंगे, डॉट डॉट ए डबल एस, क्या बन गए, बोलो बोलो, बाद में अच्छा लगेगा। अब बोलो मैं पूछता हूँ, टोकने वाले अच्छे ही खराब है? अब जी बात समझ आ गई, तो मजे मजे हैं। अभी हम इसी बात से परेशान हैं, बहुओं को सास टोक दे रहे हैं तो झट उसको ऐसा लगता है सेपरेट हो जाओ, ये बहुत खराब है मेरी मम्मी, मम्मी खराब है, ये समझ खराब है। और सर दृष्टान देता हूँ बच्चों के एंगल से, थोड़ा एक दृष्टान तोड़ देता हूँ, जरूरत है सुनना सभी बच्चे लोग, सिर तो नहीं आया तू, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रेडी रहना है ना, सुंदर रश्मि। दो टीचर है, एक टीचर सवाल नहीं करने पर, पढ़ाई नहीं करने पर में लग रहा ऐसा पनिशमेंट देता है, और एक टीचर कहता है क्या पढ़ना, तुम तो ट्यूशन की फीस भरते रहो, पेपर तो हम ही बनाएंगे, कापी तो हम ही जांचेंगे, बिल्कुल डोंट वरी हम पास कर देंगे, तुम चिंता नहीं करो। और बच्चा मस्त रोज टीचर के ट्यूशन पढ़ने जाता है वो कोचिंग पर, लेकिन टीचर उसे पिक्चर दिखाता है, मस्ती करो सो जाओ खाओ खेलो आराम से, फीस चुकाओ आराम से। बोलो भाई कौन से टीचर सबसे अच्छे लग रहे हैं मेरे को, प्रैक्टिकली सही बताना ईमानदारी, सबको वो वाला कितना अच्छा लग रहा है टीचर, पंडित जी बहुत बढ़िया टीचर है, और हमारे टीचर ही बनाते हैं पेपर और कॉपी भी वही चेक करते हैं, उन्होंने कह दिया अब चिंता नहीं करो हम ही पास कर देंगे तुमको। बोलो भैया अच्छा टीचर है कि खराब टीचर है? अब बच्चों को अज्ञान दशा में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जिंदगी भर कहेगा भैया कैसा बैड लगता है, ऐसा टीचर मिला घिसू लाल, पढ़ाते ही नहीं था, टाइम पास करता था पढ़ाते ही नहीं था, ऐसा बोलेगा वो? लेकिन सही बताना शुरुआत में बुरा लगेगा अपने को, टोकने वाले टीचर डांटने वाला टीचर पनिशमेंट देने वाले टीचर, लेकिन बाद में आप यही कहोगे हमारे बॉर्डर साहब बहुत अच्छे थे, हमारे प्रवीण सर बहुत अच्छे थे, बहुत पनिश करते थे, लेकिन आज मैं नंबर वन विद्वान बन गया, आज सारे देश में मेरा नाम हो गया, जैसे तुम्हारी सीढ़ी बन बन के बिकेंगी, तुम्हारी सीढ़ी सुनेंगे, तुम्हारे प्रवचनों की सीढ़ी अमेरिका में सुनी जाएगी, और तब तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, अब सब लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। बोलो
लेकिन कब, जब पढ़ाने वाला टीचर जोरदार हो, रोकने वाला हो, टोकने वाला हो। अभी तो ऐसा लगता होगा हे भगवान सुबह 4:30-5 बजे की घड़ी खराब नहीं होती कभी क्या? और जब देखो जब मेरे को पढ़ाने के लिए बात करते हैं, लेकिन बेटे फिर कह 5 साल अच्छे से पढ़ाई कर लो, इसके बाद आप हीरो बन जाओगे। बड़े बढ़िया नींद आ रही है? सो मगर प्यार से ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो गया आपको, है ना? अभी अपन इतनी पढ़ाई करी, कोई पॉइंट बोलेगा फटाफट, अपने आप ही बोलेंगे। एक एक पॉइंट आपको बोलना है। पहले हमने क्या पढ़ाया था? हाँ, अनेकान क्या चीज थी? सार बात क्या था? जे कितने प्रकार का है? जे कितने प्रकार का है? श्रद्धा इसकी करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? पक्का? तो पुण्य पाप नाम के दो चीजें हैं, एक ही चीज है? मतलब पहले दिन ये बात पढ़ा दी हमने, और बेचारे 11-12 के बच्चे हैं, अभी घर जाकर मम्मी से, मम्मी क्या लगा रखा है, पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं है। कहना नहीं, क्यों क्या जैसे लोग मिले वैसे बोलना। अभी ऐसे बोल दोगे तभी आप सब कहेंगे क्यों लिखा नहीं है आगम में, लिखा है ना, इधर से लिखा, इधर से नहीं लिखा। समझ आया कि नहीं आया? एक लड़का 100 गालियां देता था, फिर वो हमारे प्रोजेक्ट सुनने के बाद सुधर गया, 50 गाली देने लगा कितनी गाली? 50। तो सारे लोग कह रहे यो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितना सुधर गया, कितना ही बढ़ गया, अरे गजब हो गया। तो उसकी बात सुन के ध्रुव गाली एक भी नहीं देता था, तो इसने एक गाली देना शुरू कर दी। अरे ध्रुव एक गाली बगेगा तो इसकी प्रशंसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो 50 गाली देके प्रशंसा पा रहा है, मुझे एक गाली देके पिट रहा है। न्याय है कि अन्याय है? बोलो बोलो क्या? जी अभी तक गाली नहीं देता था, एक गाली देना इसके लिए तीव्र कसार है, और 100 गाली देता था 50 के आगे तो मंद कसार है। क्या कमाल है, परिभाषा भी गजब है। 50 गाली देने वाला वो मंद कसार है, क्या था उलट पुलट गणित है। और अंतिम दृष्टांत देके बात खत्म करूंगा। आपने बोलो एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटना पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? बोलो भाई, हड्डी पसली टूटना हाथ पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? खैर यदि अपन पुण्य का हो जाए कहेंगे तो मैं कहूंगा आप सबके टूट जाए तो आप मंजूर नहीं करोगे, लेकिन टूट जाए किसी के तो जितने लोग उसे देखने आते थे यही बात कहते, तुम्हारा बहुत पुण्य का होता है। लोग हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं बंबई में, 10-5 लाख लोग लग जाते, 10-5 लाख तो लोग उससे भी कहते तुम्हारा बहुत पुण्य का होता है, 10 ही लाख लगे उनके तो 50 लाख लग गए तो भी मर गए मैं क्या कमाल है, कम ठगाया है भी पुण्य का होता है, 10 लाख तो लगेंगे तो भी पुण्य का होते क्या? ये लोगों को तो 50 लाख लग गए। अब मेरी बात को समझ आ रही है आपको? वो क्या समझ आ रही है? पुण्य पाप क्या है, इस स्थिति में लाके खड़ा कर दीजिए, पुण्य पाप है क्या? कितनी हास्यास्पद परिभाषा और कितनी हास्यास्पद, ओहो ज्ञानी इन्हें जान करके पुण्य पाप से विरक्त हो जाते हैं, इसका नाम है पुण्य हे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? हो सकता है 11-12 वालों थोड़ा कठिन भी लग रहा, मैंने बहुत दृष्टांत इसीलिए दिए, बच्चे पहली बार सुन रहे थे समझ में आए, कुछ कुछ समझ में आया बेटे, समझ में आया? हाँ जी ना जी, महाराष्ट्र वाले बच्चों को मैं ज्यादा देखता हूँ, दुर्लभ रत्न है महाराष्ट्र के बच्चे, हिंदी सीखी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी समझ में आया बेटे? बोलो तो थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा अभी 2-4 बार और बात करना, आपस में बात करना, मजा आएगा। बोलो भैया कोई तुम्हें गाली दे पुण्य का होता है कि पाप का होता है?
और गाली के साथ 1,00,000 रुपया भी दे तो है? अब सोचते रहना है ना। कुल मिलाकर मुझे देख कहना है वास्तव में पुण्य पाप को देख कोई चीज नहीं है। आप जैसा सोचते हो वैसा पुण्य पाप को देख कहने में आता है। आप अच्छा मानते हो। एक पंडित जी थे, उनकी दुकान कम चलती थी तो बहुत पुण्य का उदय मानते थे, क्योंकि उन्होंने वहीं बैठे बैठे गोमर साहब जी कर्मकांड याद कर लिया पूरा। वहीं बैठे बैठे दुकान चलती नहीं थी, याद करते थे बैठे बैठे। बोलो तो ये तो अपनी सोचने की बात है, समझ आ गई बात? तो विचार करना, अपन बाद में चर्चा करते हैं।